हम एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप में। हमने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट कर दी है और अब हम बॉडी के अंदर जा रहे हैं। बॉडी हमारी एम्प्टी है, कुछ भी हमने नहीं लिखा हुआ। हम फ्रॉम द स्क्रैच सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर बनाएंगे वेबसाइट के लिए। डिव क्लास कंटेनर, एक और डिव बनाएंगे। क्या हमने कहा था, हम रो कंटेनर के अंदर रो आती है। फिर एक और डिव बनाएंगे इसके अंदर हमने कहा था कॉलम आता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर रहा हूं कि सिर्फ एक कॉलम असाइन करूंगा, बाकी कुछ नहीं असाइन करूंगा। कॉलम क्योंकि मीडियम में पांच ग्रिड्स लेगा, पांच कॉलम्स लेगा, बाकी मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। मतलब मैं बाकी पांच छह सात सात कॉलम्स नहीं डिफाइन करूंगा। तो अब मैं जाने लगा हूँ फॉर्म बनाऊंगा। तो लेट्स सी हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एच थ्री का एक टाइटल बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे कंट्रोल एस करेंगे और फ्रंट पे देखेंगे कि कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। एडमिशन फॉर्म हमने बना दिए। एडमिशन फॉर्म के बाद हम अब अपना फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाया और इसके अंदर एक एक्शन होता है जो कि हमने अभी नहीं सीखा कि क्या होता है, लेकिन जब हम पीएचपी सीखेंगे फिर हम इस पे जाएंगे। फिलहाल के इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। हमारा सारा कोड इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अदर इनपुट बनाएंगे जिसका टाइप होगा ईमेल, और बल्कि स्टार्ट में हम करते हैं टेक्स्ट, नाम पूछते हैं, टेक्स्ट पूछते हैं। और अभी आईडी शाइडी देने की जरूरत नहीं है। इस इनपुट का एक लेबल होगा, लेबल दिया। लेबल किसके लिए है, फॉर नेम, और आईडी देनी पड़ेगी ताकि वो फॉर वाला जो है वो इसको पिक कर सके। मैं बताता हूँ क्या इस फॉर का क्या फायदा है। तो अभी लिख लेते हैं नेम लेबल योर नेम कॉलन। तो ये हमने पहली फील्ड डाल दी है। अब कंट्रोल सेव और फ्रंट पे गए, ऐसा कुछ बना है। आपने देखे मैंने योर नेम पे क्लिक किया है तो टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो गया। तो ये काम ये चीज कर रही है, फॉर नेम, ये नेम यहाँ से पकड़ रहा है और इस आईडी में ढूंढ रहा है, तो ये आ गया। तो इसका ये फायदा है। अब हमने इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग डालनी है। हमने लेबल भी लिख लिया, हमने इनपुट भी डाल दिया। एक क्लास लेबल की होगी और एक क्लास इनपुट की होगी, फिर एक क्लास ऐसी होगी जिसपे ये दोनों रैप हुए होंगे। तो पहले हम रैप का बना लेते हैं। रैपर के लिए हमने एक और डिव बनाया। डिव के अंदर इसको कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया, थोड़ी सी हम इसको इंडेंटेशन दे दें और इसके बाद हम ये नीचे आ गए। लेबल और इनपुट क्या क्लास इनको दें हम, क्लास इज इक्वल टू, लेबल को क्लास नहीं देते हम ऊपर डिव को क्लास दे रहे हैं। क्लास डिव की जो है वो सिंपल है, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप क्या कर रहा है, वो इस लेबल को और इनपुट को ग्रुप कर रहा है। इसका क्या फायदा आगे देखते हैं, अभी हम सेव करेंगे तो आगे नजर आएगा। उससे पहले मैंने इनपुट को एक देना है क्लास जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। ये सारी बूटस्ट्रैप क्लासेस है, ये मैंने नहीं बनाई। सेव किया, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं क्या बन गया, योर नेम भी अच्छा बन गया है और ये शेडो भी आ गया है ब्लू कलर का। तो मजीद खूबसूरती से आपका फॉर्म और बनेगा क्योंकि हमने क्या किया है, हमने बूट से भी क्लासेस यूज की हुई है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे, इसको हम आगे पेस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ईमेल, योर ईमेल टाइप ईमेल आईडी ईमेल और सेव करते हैं और आगे देखते हैं। हमारे पास दो टैब्स आ गई हैं, नेम ईमेल। एडमिशन फॉर्म हम यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिवर्सिटी।
वो चीजें मैं इनपुट का बना, टैग बांध नहीं आता। नहीं इनपुट का टैग ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है फॉर्म का, इनपुट का टैग बंद नहीं होता, बीआर का टैग बंद नहीं होता, एचआर का टैग बंद नहीं होता, ये सारे एक एक टैग चलते हैं। योर नेम बन गया, योर ईमेल बन गया, अब हम जेंडर बना रहे थे, और नहीं फोन नंबर आता है, अभी फोन नंबर बनाते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, ऊपर वाली क्लास सेम रहेगी, लेबल और ईमेल की बजाय हम करेंगे फोन, योर ईमेल की जगह हम कर देंगे योर फोन। इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल टाइप इसका होगा नंबर, आईडी इसकी होगी फोन, और कंट्रोल एस, आगे जाके देखते हैं क्या है, फोन बन गया। अब हम जाते हैं फोन के पास, ईमेल भी आ गया, फोन भी आ गया, नेम भी आ गया, जेंडर रहता, जेंडर कर लेता पहले, डेव। अब जेंडर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा काम, फॉर्म ग्रुप जेंडर हमारे पास होते हैं रेडियो बटन्स, ठीक है ना, जो सर्कल बने होते हैं उसमें सबसे पहले हमने इसके अंदर मजीद तीन डिव्स आएंगी, एक में होगा मेल, एक में होगा फीमेल, और एक में होगा प्रेफर्ड नॉट टू से, जो गूगल वाले यूज करते हैं। तो मैं एक और डिव बनाऊंगा, अंदर डिव बनाऊंगा, इसको मैं क्लास दूंगा रेडियो, क्योंकि रेडियो बटन है, क्लास रेडियो दिया। अब मैं इसको लेबल दूंगा, लेबल के बाद इसमें लेबल के अंदर ही हम वो डालेंगे इनपुट टैग जो कि होता है, टाइप में हम डालेंगे रेडियो क्योंकि ये रेडियो बटन है, नेम हम डालेंगे, नेम विरोध नहीं है फिलहाल, हम अभी पीएचपी नहीं लिख रहे, तो टाइप रेडियो है, और लेबल से पहले मैं लिख रहा हूँ ये रेडियो हमने बना लिया, इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फीमेल, और इसी को मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा प्रेफर नॉट टू से, सेव किया। तो जी जैसे ने हमने फॉर्म ग्रुप ही डाल दिया है, हमने क्लासेस में डाल दिया है, ईमेल रेडियो डाल दिया है, यहाँ पे सही है, लेबल भी डाल दिया है, फिर दो डिफ रिफ्रेश किया, ठीक हो गया। अब हमने इसमें एक चीज डालनी है, वो ये है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, डिसेबल्ड, और बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि मेल वाला जो है वो चेक हो, तो अब बाय डिफॉल्ट मेल वाला चेक है, ये डिसेबल नहीं हुआ, इसको अच्छा नीचे लिखना होता है कंट्रोल एक्स, रेडियो के बटन पे लिखते हैं कंट्रोल वी, रिफ्रेश, ये डिसेबल हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डिसेबल नहीं होगा, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं तीनों को इनेबल कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, और अब हम अपनी डिग्री चूज करेंगे क्योंकि डिग्री इम्पोर्टेंट है एक फॉर्म फिल करने के लिए, तो वही वाली बातें सारी दोबारा हम लिखेंगे, डिव फॉर्म ग्रुप, क्लास के अंदर लिखना होता है क्लास फॉर्म ग्रुप, हम एक लेबल बनाएंगे, लेबल सेलेक्ट प्रोग्राम आईडी देंगे प्रोग्राम की, पीआरओजी लिख देता हूँ बस, और ऊपर लेबल में लिख देता हूँ मैं और पीआरओजी, सेट के अंदर अब हमारे पास ऑप्शन आएंगी, ऑप्शन नंबर वन इज मेडिकल, डुप्लीकेट किया इंजीनियरिंग,
और क्या क्या होता है हमारे पास जी, मेडिकल इंजीनियरिंग बिजनेस डिग्री, भाईजान के बीच 14 अगस्त नहीं खत्म हुआ, हमने ऊपर किया पसंद नहीं। अब आगे देखते हैं कि क्या बना है, मेडिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस सब कुछ आ गया, वेरी गुड हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक अदद बटन एंटर होना चाहिए फॉर्म से पहले पहले, ठीक है। इनपुट का टाइप होता है बटन, ये हम कर चुके हैं सारा कुछ। बटन वैल्यू हम लिखिए रजिस्टर्ड नाउ और क्लास आपको याद होगा मैंने बटन को प्रोवाइड की थी, बटन की, बटन प्राइमरी की, और क्या होता है बटन ब्लॉक भी दे देते हैं। बटन ब्लॉक का मतलब होता है फुल विड्थ का बटन होगा, तो बस काफी है मेरे ख्याल में, ये ऐसा कुछ आ गया। ये हमारा फॉर्म पूरा बन चुका है, फंक्शनल फॉर्म नहीं है क्योंकि हमने अभी PHP नहीं डाली या JavaScript नहीं डाली, लेकिन मसला कोई नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में हम इसी में डालेंगे, ये हम फॉर्म सेव कर लेंगे अब आने वाले लेक्चर्स में, अब हम इसी पे ही काम करते रहेंगे। अब मैं कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। ये कॉलम मेरा कौन सा है, ये मेरा कॉलम है MD5, मैं इसको कॉपी करूंगा और हेड के अंदर ही मैं एक स्टाइलिंग का टैग बनाऊंगा। ये मैं स्टाइलिंग यहाँ पे मैं बल्कि मैं इस पे एक अपना डाल रहा हूँ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स को स्टाइल कर रहा हूँ .pox। अब मैं क्या स्टाइल करूंगा इसको, एक तो मैं इसकी बैकग्राउंड जो है #FFF दूंगा, बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा, बॉक्स शेडो भी दे देते हैं इसको, थोड़ा सा बाहर निकले ये 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, #डॉट डॉट। बॉडी को भी कुछ कलर देना पड़ेगा, कि मैंने बॉक्स को व्हाइट दिया है तो बॉडी भी व्हाइट है, तो डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, वो कोई क्लास नहीं है, बॉडी टैग है, बॉडी को मैंने कलर दिया है बैकग्राउंड का #ट्रिपली। ये कुछ चीजें हो गई हैं। कंटेनर जो मेरा ये है ना, इसको भी मैं कुछ ना कुछ देने लगा हूँ, स्पेसिंग स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन से नीचे, सॉरी, मार्जिन टॉप मेरा हो गया है, इतना दूँ उसको मैं, 10 पिक्सल काफी रहेगा, 10 पिक्सल हो गया। और क्या है, बस कंट्रोल एस, लेट्स सी कि हमने क्या तीर मारा, बहुत अच्छा लग रहा। अब ये बेसिक फॉर्म बूटस्ट्रैप हमने बनाया है और कुछ भी नहीं किया इसमें, बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूँ लेट्स से किधर से कलर पिक करें, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो कि नहीं आ रहा मुझे, खैर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से हमेशा चेंज कर सकते हैं, बॉडी का ये आ गया, तो भी अच्छा सा कलर दे देते हैं इसको, जो कि फ्यूचर में हमें, क्योंकि हमने एक दफा इसमें काम कर दिया फिर हम दोबारा इसको चेंज नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये कलर बेस्ट है। कंट्रोल सी किया और बॉडी के बैकग्राउंड का हमने ये कलर दे दिया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। रजिस्टर नाउ के कलर को मैं चेंज करूँ, बटन को वो मैं दे देता हूँ उसको प्राइमरी की बजाय, पूछा भी क्लासेस है सारी, या इफ आप याद कर लेंगे तो आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, वैसे ब्लू ही पेपर लग रहा था, कंट्रोल सी। तो ये बेसिक आपका बूटस्ट्रैप फॉर्म इस तरह से बनता है, तो इसी को ही हम आगे कोड करेंगे कि फॉर्म को किस तरह से आगे लेके चलें, लेकिन डिजाइनिंग हमारी ये हो गई है मोस्टली। अभी जाके यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे एक यूनिवर्सिटी की कोई भी रैंडम सी और थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे, लेकिन अभी भी काफी नीट लग रहा है। तो ये काम आपका बूटस्ट्रैप की वजह से सारा, आप देख सकते हैं कितने मिनटों में हुआ है, 10-15 मिनट में सारा फॉर्म बन गया आपका। तो कोई कोई क्वेश्चन आपका रहता हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछें, इस हवाले से, ग्रिड के हवाले से या बूटस्ट्रैप के हवाले से, तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इस तरह के सेम ग्रेड में हम 12 बना सकते हैं ना? मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से देता हूँ, ये देखिए मैंने ये डिफ पकड़ा पूरा का पूरा,
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये मेरा डिफ स्टार्ट हो रहा है 5 का, 5 कॉलम पर डिफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये पूरा मैंने कॉपी किया है, इसके बाद दोबारा पेस्ट कर दिया है, और अब आप देखें क्या होगा, सेम वही फॉर्म आ गया आ गया। यानी मैं 5 कॉलम ये साइन हुए में, 5 कॉलम ये साइन हुए में, अब मेरे पास 2 कॉलम की जगह ये रह गई है, क्योंकि 12 होते हैं ना, 5 5 और यहाँ पे 2, तो 2 की जगह भी खाली है। 2 की जगह खाली है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में 2 ही जगह डाल देता हूँ। यानी मैं यहाँ पर डिव डालता हूँ, इसको मैं कॉलम दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ कॉलम MD2। अब वो जो 2 एंड का आ रहा था ना, अब वो बीच में आ जाएगा, ये बीच में आ गया, लेकिन इसके बीच में कुछ डाला नहीं है मैंने। दिस इज MD2 S F5, ये 2 मेरे एम्प्टी कॉलम पड़े हुए इधर, इसको मैं यूज करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, मैंने तो इनमें से किसी को भी यूज नहीं करना, वो अभी जाके हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे जब हम रजिस्टर करवाएंगे, तो वो तब के लिए मैंने सेव करके रखा हुआ है। लेकिन आपका क्वेश्चन, ये आंसर यही है कि हम जितने मर्जी कॉलम अभी भी यूज कर सकते हैं आगे। मैंने इसके बाद से लेके यहाँ तक कुछ भी यूज नहीं किया, यानी सिर्फ 5 कॉलम यूज किए हैं, अगले 7 कॉलम मेरे पास पड़े हैं फ्री, मैं उनमें जो मर्जी डालूं, लेकिन मैंने चूज किया कि मैं कुछ नहीं लिख रहा उसमें फिलहाल के लिए, बाद में देख लेते हैं।